गाना मैक कैसेट द्वारा नीलम स्टूडियो में कैसेट की जा रही है। गायक कलाकार गौरी शंकर आचार्य एवं साथी तनि स्वर्द मास्टर उठा के चार लाइन भूमिका बा। हर दिशा में तबाही जब आजादी है ऐसी तो बर्बादी कैसी। आज देश की समस्या अत्यंत गंभीर है। आज की हालत कहने योग्य नहीं है। कहीं पंजाब जल रहा है, कहीं कश्मीर जल रहा है। जातवाद उग्रवाद धर्मवाद में देश तबाह बा। ऐसने गाना एक थे आप लोगन के सुनावत है। एक लाइन कौवाली का टुकड़ा बा, आ तर्ज का नमूना उहे बा मास्टर कि खत्म होगा मेरा या फुसाना सुबह पांच बजे। खत्म होगा मेरा या फुसाना सुबह पांच बजे। खत्म होगा खत्म होगा मेरा या फुसाना सुबह पांच बजे। खत्म होगा मेरा या फुसाना सुबह पांच बजे। खत्म होगा मेरा या फुसाना सुबह पांच बजे। सुबह पांच बजे वो सुबह पांच बजे आज रुक जाओ चली जाना सुबह। स्टोरी शुरू है कि सिंघानी हिंद की नारी दहाड़ करती है। सिंघानी हिंद की नारी दहाड़ करती है। सिंघानी हिंद की नारी दहाड़ करती है। और सिंघानी हिंद की नारी दहाड़ करती है। दहाड़ा करती है। दहाड़ा करती है। राम या कृष्ण सुराड़ा की यही धरती। राम या कृष्ण सुराड़ा की यही धरती है। राम या कृष्ण सुराड़ा की यही धरती। राम या कृष्ण सुराड़ा की यही धरती है। वो कहना है कि गांधी अंबेडकर लोहिया का जहान जल रहा। भगत आजाद बोस का हिंदुस्तान जल रहा। कहानी कहाँ के बाबा नौरंगिया था न गांव मदनपुर बिहार है। नारायणी नदी रेता बिहड़ या पार है। कस्यु सरग न डकैतों का डेरा बना है। इस मौत कब खजाए अंधेरा बना है। आज दस्यु सरग न डकैतों का डेरा देवरिया जिला के बाद बिहार पड़ जाता है। नौरंगिया थाना में मदनपुर गांव बा। वो हवा के एक परिवार का घटना बा। कौन परिवार के
कि मुन्नीलाल के पांच बेटे गरीबी में पले थे, मुन्नीलाल के पांच बेटे गरीबी में पले थे, खेती का काम करते जीवन में भले थे, खेती का काम करते जीवन में भले थे, खेती का काम करते जीवन में भले थे। मुन्नीलाल के पांच बेटवा, मुन्नीलाल कुशवाहा के पांच बेटवा गरीब परिवार बा, केहू तरह अपनी जिंदगी के पालन पोषण करत हुए खेती के मजदूरी कई के, कोई से कौनो झगड़ा तकरार ना बा, बतौली न कि चारों तरफ उग्रवाद क्षेत्रवाद जातिवाद कलहर बा, ऐसने घटना बा। एक दिन आज खुशहाल परिवार में एगो घटना घटल बे, आउ कवन घटना घटल मास्टर एक लाइन तरज बा। मेहरारू कुलगावन में गीत गावेली खिचड़ी खवाई पर, उहे गीत बा तनी सा बढ़ा के स्वरदा, उहे गीतिया का तर्ज बा। कि बंदा काहे बारात में कोहाला ए बंदा, बंदा काहे बारात में कवन घटना घटल बा, कवन घटना घटल सुना। कि भैया, अरे भैया डाकुन का टोली आई गई ये भैया, भैया डाकुन का टोली आई गई ये भैया, भैया डाकुन का टोली आई गई ये भैया, बाबा गौवा के लोग घबरा रही है भैया, बाबा गौवा के लोग घबरा रही है। क्या 50-60 आदमी के तादाद में कुछ लोग आते हैं जेकर संज्ञा डकैतन से दिहल गई वे, चाहे आपो के डकैत मान ला चाहे उग्रवादी मान ला। लोग आते हैं, पूरे गांव के लोग दरवाजा अपना अपना बंद कर लिए, डर से कोई बोलता नहीं है। लेकिन देखते देखते जब सबकर दरवाजा बंद हो गई तो लोग कैलन का, कि बंदा हो गई सब की केवाड़ी ए भैया, बंदा हो गई सब की केवाड़ी ए भैया, बंदा हो गई सब की केवाड़ी ए भैया, बाजो भयन के धैले बारी बारी ए भैया, बाजो भयन के धैले बारी बारी ए भैया, बाजो भयन के धैले बारी बारी ए भैया, भैयन के धैले बारी बारी ए भैया, साथे शांति सुनीता ओके धैला ए भैया, साथे शांति सुनीता ओके धैला ए भैया, साथे के पकड़ के, पांचों भाई मुन्नीलाल के पांचों बेटवन के पकड़ के, साथ में दोनों भैया जो छुटका रहलन उन्हन के दूगो औरतन के पकड़लन है। दो औरतों को पकड़ लेते हैं जिनका नाम पाया गया शांति और सुनीता। ला करके पांचों भाई और दोनों औरतों को लेकर के आते हैं नारायणी नदी का रेता बहा है। नारायणी नदी के रेता में ऐलन है, पेपर वाले ने लिखा था कि वृत्ताकार गोले बना करके उसमें पांचों भाइयों को खड़ा कर दिए, बीच में दोनों औरतन के खड़ा कर देलन। जैसे द्वापर में एक थे द्रौपदी के चीर खींचल जात रहल, वही तरह आज पांच पांच गो भैयन के सामने दू गो मेहरारून का आबरू लोग नीलाम कहल चाहत बाड़न। बदन से साड़ी उतारत हुवन वो समय शांति सुनीता आवाज देती है, भगवान को बुलाती है, कहती क्या है मास्टर, इहे बतिया कहत बाड़ीन तनी सा दरिये बढ़ाला। कि द्वापर वाले भैया मोरा गोहरिया हो सुनाबाना, मोरा गोहरिया हो सुनाबाना, मोरे गोहरिया हो सुनाबाना, पपिया
जतिया पपिया लूट लहोई जतिया मोरी पुकारिया ओ सुनबाना पपिया लूट लहोई जतिया मोरी पुकारिया ओ सुनबाना जो पति का जैसे झुकला नजरिया हो यही बाना झुकला नजरिया हो यही बाना झुकला नजरिया हो यही बाना मोरी सारी यार खिचैली मोरी सारी यार खिचैली ले बसुरिया हो यही बाना मोरी सारी यार खिचैली ले बसुरिया हो यही बाना बदन से साड़ी खींच रहे हैं। शांति सुनीता आज अवाक है कि हमन पांचों हमन ई पांचों पति यानी जैसे जब यही दोनों भाई लोगन में से यही लोगन में से दो भाई का हमन मेहरारू है तई पांचों जने पति है बहिलन लेकिन ये लोग इतने मजबूर हैं कि आज ये लोग आवाज न उठा सकत हुए अब लाए रो रही है मेरे साथियों लेकिन लाख क्षमा मांगती है भैया अस्मत नीलाम मत करा हमन के आबरू काहे के नीलाम करत हुआ कवन गलती बा हमन के पति लोग कवन गलती कैले हुआ इहे बात कहत हैं लेकिन बारे पापी लोग किए क्या वह आदमी क्या कि पापी ना रहमना तनिक गलनिया रे कैलना तनिक गलनिया रे कैलना पापी सारी यारे उतरल पापी सारी यार उतरल नंगी बदनिया रे कैलना पापी सारी यार उतरल नंगी बदनिया रे कैलना देखते देखते बदन पर से लोग साड़ी खींच देते हैं उसके बाद दोनों अबलाएं अर्धनग्न हो गई कहले का मतलब कि पेटीकोट ब्लाउज में बचल बाड़ी दोनों अपने आबरू को ढक करके बैठ जाती हैं आबरू को ढक करके दोनों बैठती हैं लेकिन दो आदमी टूट पड़े बदन पर कुत्ते सरीखे सारे कपड़े नोच नोच करके फेंक देलन सगरी कपड़ा नोच के फेंक देलन उघार कर दिए नंगा कर देलन नंगा करने के बाद मेरे साथियों लोग किए क्या पांचों भैया सामने देखत हुआ अगर ही के दूठे मेहरारून के आबरू नीलाम होत बा पांचों भैयन के बोले के हिम्मत ना बा लेकिन लोग कैलन का मास्टर तेरी के भाव लग गए आराम गंगा का पानी काला होई गवा अरे गंगा का पानी काला होई गवा तो धरड़ी काप गई अंबर भी आंसू ढाला अरे हो ढाला अरे हो ढाला अरे हो ढाला धरड़ी काप गई अंबर भी आंसू ढाला गंगा का पानी काला हो गया वह लोग कर दिए जो चांडालों को नहीं करना चाहिए नंगी करके बारी बारी से तब तक लोग हवस की प्यास बुझाते रहे जब तक अबलाएं बेहोश न हो गई जब दोनों अबलाएं बेहोश हो जाती हैं उसी रेता में दोनों को छोड़ करके पांचों भाइयों को लेकर के आगे बढ़ते हैं आ देखा पांचों भैयन के लेके गईलन कहा हाई कहना बा विदेशिया का भाव लगल मास्टर कि बसही थाना के क्षेत्र गईले मुदैया पाचो रे साहोदारन के एक लाइन में खड़ा कैले ए भैया ले के कटारी पापी बनल मुदैया वृत्ताकार गोला बना करके अपने पचासों साठों आदमी जो लोग थे खड़े हो गए बीच में पांचों भैयन के खड़ा करा देलन पांचों भैया खड़ा हुआ उसमें से दो आदमी जमराज सरीखे कटार लेकर के निकलते हैं कटार लेकर जब आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों लोग देखत हुआ कि आखिर लोग करियन का पांचों भैया में सबसे बड़का भैया रलन राम और कुशवाहा राम और कुशवाहा के दोनों भैया फैलवा देलन कलन बांह फैला दो चार भाई देखत हुआ और भैया फैलवा के दो आदमी दोनों ओर से कई का देलन
कि राम वधु स्वाहा जी के दोनों बही आया लगा कैले। अरे छोटका बिराना वान की भरली नजरिया, दोनों भुजाओं को काट करके अलग कर दिए। उसके बाद गर्दन पर धक्का दे करके जमीन पर गिरा दिए। जब जमीन पर गिरा देलन भी पेपर वाले ने लिखा था कि राम और कुशवाहा जब जमीन पर गिर गए लेने, गिरते ही पैर के दोनों तलुओं में बंदूक सटाए के ठाए ठाए गोली चला दिले। और गोली चला करके उसके बाद चारों भाइयों के सामने ही बड़का भैया राम और कुशवाहा का बदनिया बूटी बूटी काटे लगलन। जैसे बाजारी में कसाई बकरा काटेला, वही तरह चारों भैयन के सामने राम और कुशवाहा की सारी बदन को लोग बूटी बूटी काट देते हैं। उसके बाद हुआ क्या, और जवन पांच भाई में चार भाई बचल हुए, राम और कुशवाहा के काट के लोग कैलन का सारंगा का भाव लगल। मास्टर कहना बा कि राम प्रसाद जागा दिस जो गिंदर के धैला रे पापी। राम प्रसाद जागा दिस जो गिंदर के धैले रे पापी। राम प्रसाद जागा दिस जो गिंदर के धैले रे पापी। एक एक अंगा याला एक एक अंगा याला गवलन पहाड़ू वारे। एक एक अंगा याला गवले का साईया हो। राम प्रसाद जगदीश और जोगिंदर तीन भाई के ओमे से और पकड़ लेलन और उसी अपने बीच में खड़ा करके मेरे प्यारे साथियों। और उसके बाद एक एक अंग अलग करना शुरू कर दिए। जब एक एक अंग काटे शुरू कैलन, आये तने नहीं देखा पपिया कैलन सका कि बहियाया लगरे कैल बहियाया लगरे कैल होड़ला ना जारी अरे पापी। होड़ला ना जारी अरे पापी। अरे परवा में गोली मार साटा। आज बांह फैलवा करके उसके बाद दोनों बांह अलग कर देते हैं। गर्दन पर धक्का दे करके लोग जमीन पर गिरा दिए। जमीन पर गिराने के बाद बोटी बोटी काटना शुरू करते हैं। लेकिन बोटी बोटी काट के बतौली जैसे बाजारी में कसाई बकरा काटेला, आज वही तरह चारों भैयन के बोटी बोटी काट देलन। छोटका भैया जौने का नाम पावल गल रामचंद्र, अब भी देख रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। हमरे सामने हमार चार भैया कटाए गेलन। उधर दूठे में औरतन के आबरू नीलाम हो गई, लेकिन हम बोल तक ने न पौली। बारे मेरे देश के लोग, इस देश में कैसे कैसे लोग हैं। आज त रामचंद्र सोचत बा कि जायद हम ना बोलब तो हो सकी लोग हमरा के छोड़ दियन तो हम घरे चल के कम से कम परिवार में रह के परिवार के पालन पोषण तक कैले। भैया का लैका बाड़न सब, भैया का लैका बाड़न सब, भैया की लैकन के तथा उनके पूरा परिवार का मजदूरी कह के जिंदगी बिताए ले। लेकिन देखते ही देखते रामचंद्र के सामने ही लोग देखते देखते वह 560 आदमी किए क्या कि चारों रे बीराना वन कै मसिया लोकाई। अरे धारा में दिहले बहावा। सामने ही जो है बोटी बोटी मांस जो किए थे वह धीरे धीरे नारायणी नदी की रेता में फेंकना शुरू कर दिए। और देखते देखते छोटका भैया के समन्वय भी सगरी चारों भैयन का मांस धारा में बहवा देलन, साबूत मिटा दिए। आज छोटका भैया रामचंद्र के आंखों में आंसू बा, ये लिए कहना बा लोग जब कटारी लेके रामचंद्र की ओर बढ़लन है, वो समय रामचंद्र हाथ जोड़ करके दुहाई मांगता है, भैया हमके तो छोड़ डालोगन, कम से कम हम जाए कि अपने परिवार का रोजी रोटी तो चलाए ले। लेकिन बारे चांडाल जो ही हाथ जोड़ता है रामचंद्र, उस समय लोग किए क्या कि छोटका वीर नवा राम चंद्र दो हई अरे मांगे। चंद्र दो हई अरे मांगे। अरे दिहला का लइए आला गाया जी।
प्यारे साथी छोटका भाई, आज रामचंद्र जो है हाथ जोड़ करके और दुहाई मांगता है, लेकिन बारे मेरे देश के लोग ऐसी ऐसी हरकत किए, चारों तरफ शोक का सागर डूब रहा है, लेकिन देखेंगे होता क्या है। इस देश में ऐसे ऐसे लोग हैं, तक कहना बा मास्टर कैसे हमारे देश का सुधार हुई। तनी सौरी बढ़ जा मास्टर, हाँ ऊपरी वाली से तने उड़दा कहना बा, ये कहना बा का बा, अरे नाराली नदी का बिहाड़ बिगाराइल रे ता थर्राइल, अरे नाराली नदी का बिहाड़ बिगाराइल रे ता थर्राइल, धरणी का पयंबर भी अलसाइल रे ता थर्राइल, धरणी का पयंबर भी अलसाइल। प्यारे साथी आज पृथ्वी कांपना शुरू करती है, ये तमाम बात देख करके, यह दृश्य देख करके अंबर भी आंसू बहाने लगा, लोग पूरा गांव शोकित बा। इधर दोनों औरत जब भोर होता है, भोर का वक्त जब भइल बा न भैया, भोर के समय में दोनों औरत जौन बा अपने जब होश मेलिन है, होश में आकर के और दोनों औरत घर आती है, घर आने के बाद मेरे प्यारे साथियों सारी बात जब की जानकारी जब गांव वालों को होती है, लोग शोक में डूब गए हैं, पूरा परिवार रोवत बा, सगरी लड़का रोवत हुआ और देखा के रोवत बा, कि श्याम पति शारदा यो शांति, अरे सजना दिहाली गवाई हो, सुनीता शांति असमत दिहाली, पर मांगियो गईला धोआई हो, अरे बिनु बदरी का चंदा कहाँ लुकाइल रे ता थर्राइल, अरे बिनु बदरी का चंदा कहाँ लुकाइल रे ता थर्राइल, दैनिक जागरण में घटना छपाइल रे ता थर्राइल, दैनिक जागरण में घटना छपाइल रे ता थर्राइल, दैनिक जागरण में घटना छपाइल रे ता थर्राइल। मेरे प्यारे साथी गोरखपुर से निकलने वाला पेपर दैनिक जागरण में कुछ पत्रकार लोग मेहनत करके इस खबर को छापते हैं। इस देश के अंदर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जहां जहां पर कि आज आदमी ही एक हैवान का रूप ले लिया है, इंसान ही हैवान बन गया है। इस देश में जब ऐसे ऐसे गद्दार हैं, मेरे देश का सुधार कैसे होगा। ऐसा ऐसा लोग जातिवाद के नाम पर, उग्रवाद के नाम पर, धर्मवाद के नाम पर लड़त हुआ, हम आप लोगन से कहा तक बताई। यही देश के कहलगल, जिस देश में भगत आजाद अशफाकुल्ला जैसे नौजवान पैदा हुए थे, उस देश की हालत है। इसलिए लिख देना पड़ा मास्टर अल्लाह में, अरे कहना बाया अल्लाह का भावा, अरे जवन रे देसावा के गौतम कृष्ण गांधी भैया, कैसे पुराई अब साही दना का सपना ये भैया, कैसे पुराई अब साही दना का सपना ये भैया, होला राजा नीति में देसावा ऊजा, हाँ होला राजा नीति में देसावा ऊजा। मेरे प्यारे साथी आज चारों तरफ दंगा ही दंगा देखने को मिल रहा है, चारों तरफ आग ही आग दिखाई दे रही है, लेकिन हमारे देश की सरकारें, हमारे प्रदेश की सरकारें, सारी सरकार खाली घोषणे करे पर लागल है, खाली घोषणा करे पर लागल बाड़ीन भैया, सारी सरकार अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में है। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करता, किसी एक पार्टी की बात नहीं करता, कहना है क्या कहना है क्या? आल्हा बदल के मास्टर कैसे कि, अरे वो हमर सरकार अपन कुर्सी बचावे भैया, वो हमर सरकार अपन कुर्सी बचावे, अरे सीमा वहां पर झाके नाही यूपिया बिहार, अरे सीमा वहां पर झाके नाही यूपिया बिहार,
अरे जंगल पार्टी में जंगल राज बाटे कायम है। अरे पचास गिरोह का पचास सरदार हो, पचास गिरोह का पचास सरदार हो, पचास गिरोह का पचास सरदार हो। जंगल पार्टी में जंगल राज आज भी कायम है, चाहे वो यूपी की सरकार हो या बिहार गवर्नमेंट। यह जहां का कांड है, बिहार और यूपी का बॉर्डर पड़ता है आप जानते हैं, तो ये लिए दोनों सरकार सगरी कुल देख के मौन है। तक कहना बा वहाँ आज भी लोग खुख्यात हुआ, नाम पावल गए, पेपर वाले लिखा था पेपर के माध्यम से, कह देना पड़ा क्या क्या कि राम सिकोरी और बासदेव यादव, भैया राम सिकोरी और बासदेव यादव, अल्लाउद्दीन गिरोह का गरीब हो शिकार, अरे अल्लाउद्दीन गिरोह का गरीब हो शिकार, अरे आपसी मुठभेड़ जातिवाद के लहर में, अरे होला रे गरीब बवन का डरावा उजार हो, होला रे गरीब बवन का डरावा उजार हो, होला रे गरीब बवन का डरावा उजार हो। जब यह घटना घटती है उस समय का भाव आप पाएंगे। जब यह घटना घट गई उसके बाद दो ही नौजवान खबर दिए पुलिस चौकिया, और जिसे हम देश का रक्षक कहा करते हैं वह पुलिस वाले किए क्या, क्या? कि घटना को पुलिस वाले पी गए सारा कार। कौन कौन लोग इस घटना को पेपर में छापे थे कि दिनेश कसेरा, हरिप्रसाद, यो जितेंद्र, अरे राजू केतन लिखे दैनिक जागरण के पत्रकार, अरे आदमी और जानवर में नहीं फर्क बाटे कोई, इधर लाखों घोषणा कर ली सरकार, अरे इधर लाखों घोषणा कर ली सरकार, इधर लाखों घोषणा कर ली सरकार। मानों में कोई फर्क नहीं रह गया है मेरे प्यारे साथी। इधर सरकारें जो है घोषणा पर घोषणा करती जा रही हैं। ये लिए आपसे कहना बा क्या कि अरे जौन देशवा में ऐसा अत्याचार होई है, तो वही देशवा का कैसे सुधार होई है, वही देशवा का कैसे कुर्सी बचाव। अब बड़ी बड़ी योजना गरीबन के सुनाव, हमर सिनेमा पर गोली का बौछार होई है, तो खुराई, अरे जागो नौजवान। इसीलिए कहना है अपने समाज से कि जागो नौजवान, कदम आगे को बढ़ाए जा, आग शहीदन का सपना अपने हाथ से सजाए जा, शहीदन का सपना अपने हाथ से सजाए जा, शहीदन का सपना अपने हाथ से सजाए जा। खत्म ना गद्दार होई है, तौले देशवा का ना ही मोर सुधार होई है, देश से जातिवाद उग्रवाद तमाम खत्म करने के लिए आप नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। यहीं से जो है गाना की स्टोरी खत्म होती है, अंतिम लाइन बा गाना का प्रमाण बा, दिल मोहम्मद कवि गया लाल संग यादो है जगधारी, राम भवन सदेव सुरेंद्र उदय भान गुणकारी, अरे गंगा का पानी काला होइगा, अरे गंगा का पानी काला होइगा, आचार्य गौरी शंकर कविता सच में ढाला, रे गंगा का पानी काला, होगा
बदले की आग। चार लाइन भूमिका है मास्टर, तनी स्वर देदा उठा के। अरे सवरिया हो राम रे, कहना बा चार लाइन भूमिका बा कि जब देश में गुलामी की कहर छा गई, बगावत की आधी बनी आन की शान रखे जवाबीर लड़के, उन शहीदों का लोहू है इनकलाब बोला, यूपी गाजीपुर का जो कि पूर्वांचल बलिया, आजादी के राही। अरे कटे बोटी बोटी न सर को झुकाए, गया लाल इतिहास देता गवाही। कटे बोटी बोटी न सर को झुकाए, गया लाल इतिहास देता गवाही। हमारे देश के अंदर एक से एक बड़े बड़े नौजवान पैदा हुए, बड़े बड़े देशभक्त पैदा हुए। ऐसने एगो वीर का कहानी बा, कहना बा मास्टर, यहाँ कव्वाली का टुकड़ा बा, दो लाइन कव्वाली का अंदाजा पाएंगे आप। किसी शायर ने कहा है मास्टर, किसी शायर ने कहा है के नकाब डाल के चेहरे से मुस्कुराओ नहीं, गरीब दिल ये मेरे बिजलियां गिराओ नहीं, शहीद हिज्र की तुर्बत पे गुल मचाओ नहीं, अभी तो आंख लगी है हमें जगाओ नहीं। इसके नबी को इश्क का जीना बना लिया अजीम, इसके नबी को इश्क का जीना बना लिया, आशिक सब्रो रजा को अपना करीना बना लिया, उल्फत के वादे शौक का मीना बना लिया, आशिक ने अपने दिल में मदीना बना लिया। सुभान अल्लाह, कव्वालिया का लाइन बा, कहना बा कवन कव्वाली बा मास्टर, कि अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो रे, अभी मेरा सर कटा नहीं है, उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो रे, अभी मेरा सर कटा नहीं, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे अभी मेरा सर कटा नहीं है, अभी मेरा सर कटा नहीं है, अभी मेरा सर कटा नहीं है। अरे हुसैन ने जो दिया शहादत, अब हुसैन ने जो दिया शहादत, वैसा कोई हुसैन ने जो दिया शहादत, सबसे हिंदुस्तान की धरती है कि अरे धरणी यह हिंदू सता की, अरे धरणी यह हिंदू सता की, वीरों से खास धरणी यह हिंदू सता की, अब वीरों से खाली नहीं है, अरे वीरों से खाली नहीं है, अरे दाग दामन में लगाए माँ कोई पास नहीं है, दाग दामन में लगाए कहानी का शुरुआत हो गई,
लाइन बा मास्टर बो कि लॉर्ड रोवर सन 22 में करता तूफान रहा, गुलामी की बेड़ी में जकड़ा हिंदुस्तान रहा, जिला बलिया द्वाबा के श्याम देव पहलवान रहे, लड़ते अखाड़े पर पूर्वांचल की शान रहे, मालती नार चंदा हूर सी जवानी थी, सहेली साथ में भरने को गई पानी, मालती को देखा जब लॉर्ड रोवर कमीना है, मालती को देखा जब लॉर्ड रोवर कमीना है, कहे यू माई गॉड ब्यूटीफुल हसीना है, कहे यू माई गॉड ब्यूटीफुल हसीना है, कहे यू माई गॉड हसीना है। बलिया द्वाबा के श्याम देव यादव पहलवान जिनकी पत्नी का नाम मालती पाया गया, इतना नहीं कितना निक रहल भैया, जे ही देखे उहे मोहित हो जा। ये लिए एक बार सहेलियन के साथ में पानी भरे के गई बा, वो समय बलिया में तैनात ड्यूटी पर लॉर्ड रोवर कमिश्नर था, लॉर्ड रोवर देखता है कि अरे बाप रे बाप बड़ी निमन न चिरई बा, ई कहां उड़ल जात बा, लॉर्ड रोवर के मन में पाप समा गई, आ जब पाप समा गई आदेश देता है साथ के सिपाहियों को, जाओ जा करके पकड़ लाओ, जल्द से जल्द मेरे सामने लाओ, और यही बात कहता है कहा यू माई गॉड ब्यूटीफुल हसीना है। आदेश पा करके सैनिक जाते हैं, यानी सेना अंग्रेजी सेना गई बा, आज अब लोग पकड़ ले लन भैया, उस समय समझ गई मालती की आज मेरी आबरू नीलाम हो जाएगी, अस्मत नीलाम हो जाएगी, तो आवाज देती है कि है कोई बहादुर, अरे है कोई बहादुर, है हिंदुस्तान की धरती पर कोई बहादुर जो मेरी आबरू बचा ले, आवाज देती है, तो यहाँ एक लाइन तर्ज लगल मास्टर, आ तर्ज हुआ फिल्म का नाम बा हम आपके हैं कौन, तनी से गिडिया बढ़ाए के दा उहे तर्जिया बा, कौन तर्ज बा, अरे दीदी तेरा देवर दीवाना, अरे दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, दीदी तेरा देवर दीवाना, अरे दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। लेकिन मालती आवाज देती है कि अरे भैया कोई लाज को बचाना, अरे भैया कोई लाज को बचाना, यह बात जा स्वामी से बताना, यह बात अंग्रेजी कप्तान के आदमी पकड़ लाए, और पकड़ करके लाते हैं अंतरा बिरहा के लाइन में बजी मास्टर, कैसे अंतरा बिरहा के लाइन में बजी कि जबरी पकड़ लाए अंग्रेजा पाजी, अरे जबरी पकड़ लाए अंग्रेजा पाजी, छावनी में लूट लिए मालती की लाजिया, छावनी में लूट लिए मालती की लाजिया, अरे आबरू का लूटे हैं खजाना, अरे आबरू का लूटे हैं खजाना, यह बात जा स्वामी से बताना, साथ की सहेली जो पानी भरने को गई थी भागते हुए, एक सहेली दौड़ करके जहाँ श्याम देव यादव पहलवान रियाज करत हुआ दौड़ करके जाती है, आवाज देती है भैया भैया सुन लो मेरी बात, तेरी पत्नी मालती को लॉर्ड रोवर पकड़वा ले गया, दौड़ करके जाओ आबरू बचा लो। लेकिन जब आवाज सुनता है अवाक हो गया, तर्ज बदल गई, फिल्म का नाम बा दिल तेरा आशिक, तर्जिया बकवन, अरे सब कुछ बताऊंगा, अरे सब कुछ बताऊंगा, कुछ ना छिपाऊंगा, तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक है।
कि सखियन का बतिया सुन के सखियन का बतिया आ नाहर का छतिया धड़के नाहर का छतिया धड़के क्रोधवा में श्याम देव के अखिया से लोहू बरसे तुरते चला है पहलवान हो लाठी कन्हैया पर लई तुरते चला है पहलवान हो लाठी कंधे पर लाठी उठा करके ये हिंदुस्तानी हथियार बा भैया लाठी के आप लोग जानत हुआ लेकर के चल देता है और आता कहाँ है अंतरा का लाइन बा कि दौड़ कैंप पर आया है दौड़ कैंप पर आया है ओवर पे लाठी चलाया है कैंप फाड़ कर अंदर घुसा ओवर पे लाठी चलाया है तो इनकलाब बोली गरजे इनकलाब बोलिया गरजे तड़ा तड़ा लठिया बरसे बचली खुनावा कथा रहो लाठी कन्हैया पले बचला खुनावा कथा लाठियां बरसाना शुरू कर दिया जाते ही जो है संतरी खड़ा था टेंट गेट पर जाते ही लाठियां बरसाना शुरू कर दिया और लाठी जब बरसती है वो समय लठिया ले खून सनाए गए आ जब लठिया ले खून सनाए गए वो समय का भाव भैया लिख देवे के परल तेरी के भाव मास्टर तई से दरिए बढ़ा लो अरे लोहू में लाठी लाल हो गई अरे लोहू में लाठी लाल हो गई तो गरजा श्याम देव है बन गोरन के काल में लोहू में लाठी लाल तनी लाठी बरसाता है कि आज जितना मम्मा लोग भेटात गईलन दरिये लुढ़कत चल गईलन लेकिन देखते देखते हुआ क्या कि चहुओर फिरंगी घेर लिए अरे चहुओर फिरंगी घेर लिए तब श्याम देव ललका रहा है लोहू से लाठी नहा गई फिर 11 गोरों को मारा है 11 गोरों को मारता है पर पकड़ गया है श्याम देव अरे पर पकड़ गया है श्याम देव घायल था रोवर लार्ड कहे यह ब्लैक इंडियन डॉग बड़ा डेंजर ये माई गार्ड कहे ये ब्लैक इंडियन डॉग बहुत ही डेंजर है बहुत ही खतरनाक है ये काले कुत्ते आवाज लगाता है श्याम देव को पकड़वा करके किया क्या कि गोली मारा नाहर को अरे गोली मारा नाहर को 11 टुकड़ा करवाया है जहां गेट साहनी का दफ्तर चौराहे पर टंगवाया है जहां क्रांतिकारियों का दफ्तर था 11 टुकड़ा करके श्याम देव यादव कैलाश को मेरे साथियों अब श्याम देव यादव कैलाश को 11 टुकड़े में बांट करके और क्रांतिकारी गेट के सामने टंगवा देता है लिखवा दिया अंग्रेजी शासन जिंदाबाद हिंदुस्तानी का क्रांति मुर्दाबाद लिखवा करके जब टंगवा देता है सवेरे जब देश के क्रांतिकारी लोग देखते हैं खून खौल उठा लोगों के आंखों से लेकिन मेरे साथियों इधर मालती रोती हुई आती है उस समय का भाव है अरे रोवा तैली मालती भावा नवान हो रोवा तैली मालती भावा नवान हो रोवा तैली मालती भावा नवान हो लागल दामन में दा समय लाड रोवर पकड़ा था मालती को उस समय
जिस समय लाड रोवर पकड़ करके मालती की आवरू लूटना चाहता, उस समय मालती जो है 8 महीने की गर्भवती थी। मेरे साथियों, आज मालती का जब कुछ दिन व्यतीत होता है, श्याम देव तो परमात्मा को वासी हो गए थे, लेकिन हुआ क्या कि अरे गोदिया में भाई ले लाला नवान हो जागल मालती के भाई, गोदिया में भाई ले लाला नवान हो जागल मालती के भाई, गोदिया में भाई ले लाला नवान हो जागल मालती के भाई। अरे बीसा हो बरीसावा के भाई ले लाला नवा, सहो परी सावा के भाई ले ललाना, सहो परी सावा के भाई ले ललाना, आसेरे सिकंदर नाम नाहर के जवानवा, त एक दिन खियावत रहली खानवा न हो, एक दिन खियावत रहली खानवा न हो, खाना लेकर के खिलाने बैठी है। बड़े प्यार से उस बच्चे का नाम शेरे सिकंदर रखी थी। माँ के आंखों में आंसू भर गया, रो रही है मतारी। वो समय बेटवा सिकंदर पूछत बा, माई जब तू खाना खियावेलू तो रोवेलू का है, एगो बात बता दा। तरज एक लाइन भोजपुरी लगल मास्टर, आउ है तर्जिया का नमूना बा कि अरे जब से सैया गईला परा देसावा ये साखिया, अरे सन सवान यार भेजले गोइया, सन सवान यार भेजने यार गोइया, सन सवान यार जब से सैया गईले पारा दे सवाए सखिया, जब से सैया गईले पारा दे सवाए सखिया, सन सवान यार कहना बा काम। लड़का पूछता है कि कवने कारण आज रोव हो मयरिया, आ कौने पापवा क भरल पाप क गठरिया, कौने पापिया के भरल पाप क गठरिया, कौने पापिया के भरल पाप क गठरिया। अरे माम बता दे कौन चांडाल तेरे तरफ निगाह उठा दिया, रे माम कौन चांडाल तेरे तरफ निगाह उठा दिया। यदि पापी तेरे तरफ आंख उठाता है, मैं उसकी आंखें फोड़ डालूंगा। अगर तेरे तरफ कोई पापी अपनी भुजाओं को फैला दिया तो भुजाएं काट करके उसको लूला बना दूंगा। मेरे साथी, आज मतारी जब इतनी बात सुन लेबा, रो रो करके सारी कहानी को बताती है कि रे बेटा तेरे पिता को 11 टुकड़ा करवा करके आज भी लाड़ रोवर वह जिंदा है जिसने 11 टुकड़ा करवा के सारी गेट के दफ्तर पर टंगवा दिया था। रे क्या सुनना चाहता है तू, अवाक रह गया बालक। कसम खाता है कि जब सुना वचन माता की, अरे जब सुना वचन माता की तब याग बदन में लागी है, लूगा बदला वह तड़प उठा तब वीर बना वह बागी है, चल दिया खोज में रोवर के, अरे चल दिया खोज में रोवर के, रहता वह कहां कमीना है, बोटी बोटी ना मांस करू धिक्कार जहां में जीना है। शाबाश, आज जवान चल देता है लाड रोवर का पता लगाने के लिए, आखिर वह पापी है कहां, लेकिन कौने भेष में चलल। एक लाइन गीतिया उहे लगल मास्टर अता उल्ला खावाली गजलिया कि अरे अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अरे अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। अरे निकल आज बहादुर सीना तान करके, अरे निकल बहादुर सीना तान करके, अरे मार के मिटाऊं रोवर बेईमान के।
गीता का 11 टुकड़ा न किया था तो सुन ले, मैं जब तक 101 टुकड़ा न कर दूं तब तक कसम है इस हिंदुस्तान का अन्न पानी ग्रहण नहीं करूंगा। कहना है कि 101 टुकड़ा मैं कर दूंगा, और जब तक, अरे जब तक खत्म न करूं चाहे नहीं लूंगा, जब तक खत्म न करूं चाहे नहीं लूंगा, जब तक खत्म न करूं चाहे नहीं लूंगा। अरे मां भारत माता की कसम, माता तेरे दूध की कसम, जब तक पापी का 101 टुकड़ा न कर डालूं रे माँ, इस पृथ्वी का अन्न और पानी ग्रहण नहीं करूंगा। यह प्रण करके चलता कहाँ है और किया क्या, क्या? कि 101 टुकड़ा मैं कर दूंगा, और जब तक खत्म न करूं चाहे नहीं लूंगा, जब तक खत्म न करूं चाहे नहीं लूंगा, जब तक खत्म न करूं चाहे नहीं लूंगा। झूमते चला है पिस्टल तान करके, अरे झूमते चला है पिस्टल तान करके, अरे मार के मिटाऊं गोरे बेईमान के, झूमते चला है पिस्टल तान करके, ए मार के मिटाऊं गोरे बेईमान के, झूमते चला है पिस्टल तान करके, ए मार के मिटाऊं गोरे बेईमान के। घूमते हुए जब चलता है, घूमते चलता है, पता करता है लैंड रोवर कहां है। आज वह 20 वर्ष का बालक हो चुका था, सन 22 में घटना घटी 1922 में, और जब वह 20 वर्ष का हो गया तो आ गया सन 1942। 1942 में उस समय हमारे देश की हालत क्या थी, सदर आल्हा का बादबा मास्टर, आल्हा में तरह तरह के लोग सवाल करत हुए, तरह तरह के बुझौनी, इकुल त स्टेज से सुनबे करेला, तनी हई बात सुना कहना बा का आल्हा नंबर दूसरा बा मास्टर कैसे, तनी सा बढ़ा दौरी ऊपर से उड़ा। ये कहना बा कि रहल सन 42 वाला, रहल सन 42 वाला घर घर आंदोलन वाए भैया, रहल सन 42 वाला घर घर आंदोलन वाए भैया, रहल सन 42 वाला घर घर आंदोलन वाए भैया। अरे लारदा वाली फोटो एक दिल छापला खबा, पहचान कर सिकंदर कर विचार, फोटो पहचान कर सिकंदर कर विचार, फोटो पहचान कर सिकंदर कर विचार। पेपर में निकला था कि आज लॉर्ड रोवल की बदली हो गई है, जो आज कलकत्ता से इलाहाबाद के लिए फला ट्रेन से जा रहे हैं, बाहरे वा खोजत रहल खोजी के, आज जवन चीज खोजत बा उहे चीज मिल गई। उस समय आज वह नौजवान करता क्या है बदला लेने के लिए, किए भैया हबड़ा ट्रेनिया में छुपल सीटिया के नीचावा, अरे वही लॉर्ड रोवर हुआ ट्रेन पर सवार, अरे मुगल हो सराय पहुंचल हबड़ा वाली ट्रेनिया, अरे पिस्टल कटरिया को लिया है संभार हो, पिस्टल कटरिया को लिया है संभार हो, पिस्टल कटरिया को लिया है संभार हो। पिस्टल और कटार लेकर के उसी डिब्बे में चढ़ गया जिस डिब्बे में लॉर्ड रोवर पहले से आ रहा था, सीट के नीचे जा करके छुप गया। जा करके करता क्या है जरा सुनेंगे, यही सोचने लगा क्या कि मोरे भारतवासी ब्लैक डाग ना कहानी है, अरे राजघाट पुलावा पर ट्रेन ला लकारा, तड़ा गोलिया चलावेला बहादुर, तड़ा गोलिया चलावेला बहादुर, तड़ा गोलिया चलावेला बहादुर, आज जैसा संकल्प किया था कटार लेकर के इधर लॉर्ड रोवर बैठा था नशा में चूर है, नशे में रही रही गरत बा, लेकिन कटार लेकर के नौजवान पहुंच गया, अरे साहब जब भिस्की चलता तो तनी हई हो भिस्की ले ला, चाकू खोल के सरकार के धमोले बा,
सरकार के यहाँ खुलल बे देखलन की कैसन लड़का बा, समझाते हैं कि रे तुम तो बड़े अच्छे लड़के हो, यह क्या कर रहे हो। लेकिन क्रोधावेश में आकर के लॉर्ड रोवर को वही चाकू जो है वही लेदा में पेश दे ले बा। लॉर्ड रोवर के जब पेट में चाकू लगल बा भैया, ममा वही धराशाई भैलन, लेकिन उस लाश को लेकर के ट्रेन के छत पर चढ़ता है, बोटी बोटी काटना शुरू करता है, और काट करके वह करता क्या है, क्या कि अरे बोटी बोटी मसिया लोकावा ट्रेनिया से लोहू में नहा गईला मालती दुलार। काट करके मेरे प्यारे साथी और वही ट्रेन से फेंकना शुरू कर दिया। आज अब ट्रेन पे लुकावे शुरू कर दिलस और कहां तक पहुंचल बा तनी सुन ला। अरे बनारस कैंट तक खत्म हुई रोवर का लसिया के ब्लैक, अरे ब्लैक डाग ना कहै हा हो भारत के बसिया। ललकारे जिंदाबाद, हाथ हथकड़ी पाव में बेड़ी लाए इलाहाबाद, त इलाहाबाद में नहर पत्तव चलाव के सियाम, ब्लैक डाग ना कहिए हो भारत के बसियाम। चली और केस के दौरान फैसला हो गया कि इस लड़के को सजाए मौत हो, फांसी की सजा दी जाए। तो पाए के खबर आया आशीर्वाद देली मालती, माता है सुपुत्री अपने देश खातिर पालती, अरे नैनी जेल में हो गई सिकंदर वाली फसिया, ब्लैक डाग ना कहिए हो भारत के बसिया। आज इनकलाब अब जिंदाबाद, भारत माता का जयकारा करते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया। तो अंतिम लाइन लिखना है, दिल मोहम्मद गुर्राम सेवक सिंह, अरे गया लाल पद छाने, ये ज्ञान गुरु रामदयाल कवि गया लाल पद छाने, अरे लोहू में लाठी लाल हो गई, अरे लोहू में लाठी लाल हो गई, गौरी गया लाल दंगल में देते ताल, रे लोहू में लाठी लाल। प्यारे बंधु, यह कैसेट जो आप सुन रहे हैं, मैं कैसेट के सौजन्य से ये बिरहा पेश किया गया जो नीलम स्टूडियो में रिकॉर्डिंग किया गया। मैं गायक कलाकार गौरी शंकर आचार्य एंड पार्टी आपके सेवा में हाजिर है इसी कंपनी के द्वारा, जो कंपनी देश विदेश में तहलका मचा चुकी है। इसी कंपनी के द्वारा मेरी अगली कैसेट होगी, जिसके अंदर दो गीत आपको सुनने को मिलेंगे। गाने का शीर्षक होगा हत्यारीन औरत, और दूसरे साइड होगा जो राखी की मर्यादा। याद रखें, मैं कैसेट के सौजन्य से।